32 नंबर की रजिस्टर में 41 पेज पर 12/5/90 का पैराग्राफ। कांटे से फूल बनाने वाले भगवान वाच अथवा बागवान वाच कहे से क्या बनाने वाले कांटे किसको कहा जाता है? कांटे माना दुखदाई, ये चुभते हैं, चुभन पैदा करते हैं, दुख देते हैं। जिसके भी संसर्ग संपर्क में आएंगे, जिसके के भी नजदीक पहुंचेंगे तो उसको चुभेंगे, माना दुख देंगे। जड़ कांटों की बात है क्या है? चैतन्य कांटों की बात है, आत्माओं की बात है। जहां बैठे हैं, जहां रहेंगे, अपने नजदीक वालों को ही चुभेंगे। तो ऐसे कांटों को फूल बनाने के लिए कौन आया हुआ है? बागवान, फूलों का बगीचा बनाने के लिए आया। फूल तो सुखदाई होते हैं और कांटे दुखदाई होते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए। यहाँ आने का मकसद क्या बताया? कांटे से फूल बनाना। और यहाँ माना कहाँ? मधुबन में। बाबा के पास बच्चे आते ही हैं, खुद अपने दुर्गुणों को कभी दूर नहीं कर सके। जानते हैं कि हमारे दुर्गुण हैं ये, वो दुर्गुण दूर नहीं हो सके, कोशिश करने पर भी नहीं हो सके। तो बाबा के पास आए हैं, हर एक समझते हम पहले कांटे थे, दुखदायी थे, अब फूल बन गए। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं, पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता आओ, खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है, बहुत ही नाम देते। परंतु चित्त सब जगह एक ही है। खिवैया कहेंगे तो ऐसे नहीं कि बल्ली लेकर के कोई नाव खेता हुआ दिखाया गया है। बागवान कहेंगे तो ऐसे नहीं कोई बाग लगा हुआ है और बाग की देखभाल कर रहा है ऐसे दिखाया हो चित्र में। पाप कटेश्वर कहेंगे तो भी शिवलिंग के रूप में ही दिखाते हैं। चित्र एक ही है। कौन सा चित्र? पाप कटेश्वर नाम दे चाहे खिवैया नाम दे, लेकिन चित्र सिर्फ एक ही है। कौन से चरित्र की यादगार है? निराकारी स्टेज में रहने की यादगार। चित्र बनाया ही जाता है चरित्र को दिखाने के लिए। चित्रकार चित्र बनाता है। चित्र से कोई बात देखने में आए तो लिंग रूप जो चित्र रखा उसमें क्या देखने में आएगा? वो लिंग रूप में देखने में आता है कि वो स्टेज है, लिंग है बड़ा रूप। इतना बड़ा तो परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन उसमें जो बिंदु है स्टार, जैसे सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था स्टार की यादगार, वो किसका प्रतीक है? तो सदाशिव निराकार ज्योति की प्रतीक जो बिंदु रखी गई है वो साकार में प्रवेशता की यादगार है, बड़े रूप में प्रवेशता की यादगार है। तो लिंग हुआ साकार रूप और बिंदु हुआ निराकारी स्टेज में लाने वाला रूप, जिसमें प्रवेश करता है उसको भी
निराकारी स्टेज में टिकाई देता है और धर्म टिकाए ऊपर से आए निराकारी बन करके आए और संग के रंग में आकर साकारी बन गए, गर्भ से जन्म लेने वाले बन गए, गर्भ के बंधन में आ गए, खुद भी नीचे गिरे और अपने पीछे आने वालों को भी नीचे ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि आत्मा में लेप छेप लगता है, चाहे वो धर्म पिता की आत्मा हो और चाहे वो कोई भी क्यों न महात्मा हो, आत्मा तो नीचे गिरती है संग के रंग से। आत्मा को लेप छेप लगता है लेकिन परमात्मा को लेप छेप संग का रंग नहीं लगता, वो किसी से प्रभावित नहीं होता, इसलिए वो निराकार आकर के बागवान बन सकता है, खिवैया बन सकता है। आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया वो एक ही बाप है जो निराकारी स्टेज वाला है, जिसकी यादगार चित्र शिवलिंग मंदिरों में आज भी दिखाया हुआ है। तो चित्र सब जगह एक ही है, उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। अभी तुम जानते हो उस एक बाप के पास हम बैठे हुए हैं, कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए, ये है हमारी अहम ऑब्जेक्ट। अब हर एक को अपने दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपन को काटे समझते थे, हम निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, क्योंकि पांच विकार तो हैं, देहाभिमान भी बहुत कड़ा है। अपन को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे, बाप के साथ प्रीति क्यों नहीं पैदा होती, देहधारियों की लागत क्यों लगी रहती है कोई देहधारी का संग मिले, क्योंकि देह धान में है तो देह की देह से कशिश होती है। अगर आत्मा अभिमानी बने कि हम आत्मा हैं, बिंदु आत्मा है, तो लागत किससे होगी, बाप के साथ प्यार रहे, बाप के प्रति कशिश हो जाएगी आत्मा अभिमानी की। ये बात किसके लिए बोली, दुनिया वालों के लिए नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया के लिए ये बात बोली है, चाहे वो बेसिक नॉलेज लेने वाले हों, चाहे वो एडवांस में चलने वाले हों, अगर आत्म की स्टेज पक्की है तो कशिश बाप की तरफ होगी, अगर देह की स्टेज हो गई तो कशिश नहीं हो सकती, तो सुप्रीम सोल निराकार बाप की तरफ कशिश नहीं हो सकती, और जब कशिश नहीं होगी तो नजदीक पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि पहचानेंगे नहीं। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है, ये बात कब जानते हो, अभी, अभी का मतलब कौन से युग में, ये संगम युग में ही होता है कि बाप प्रैक्टिकल रथ में विराजमान होकर आता है, और युगों में कहते हैं, याद करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में बाप नहीं होता, ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। क्या निश्चय करते करते, निश्चय किस बात का, निश्चय बुद्धि विजयंती और अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती, किस बात का निश्चय, बाप आया हुआ है, प्रैक्टिकल में आया हुआ है,
इस बात को ही कहते हैं निश्चय बुद्धि। अगर ये निश्चय नहीं है तो अनिश्चय बुद्धि। एक बार निश्चय बैठ जाए, ये इंतकाम कर ले कि वास्तव में बाप आया हुआ है, ऐसा ज्ञान सिवाय बाप के और कोई नहीं सुना सकता, और टैली कर ले अपने अनुभव के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर। जब एक बार अनुभूति हो जाए तो फिर छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भाग्यशाली रथ है, भागीरथ है, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वो इस रथ में विराजमान है। ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसी में माया संशय लाई देती है। निश्चय पहला पहला कौन सा मुख्य? बाप में निश्चय, दूसरा आत्मा के स्वरूप में निश्चय, और तीसरा ड्रामा के ऊपर निश्चय। तो जिसमें बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए उसमें माया संशय लाती है पहले। किसमें लाती है संशय? बाप में संशय लाती है। माया वायलोरा डाल देती, ये बाप नहीं है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? पट से जाकर अपवित्र बन जाती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, माँ बाप भी कुमारी के पांव पूजते हैं, और कल शादी होने के बाद खुद माथा टेकने लग पड़ती। तो ऐसा क्यों हुआ? ये पतन क्यों हुआ? पवित्र और अपवित्र की बात आ गई। अपवित्र बने तो नीचे गिरना होता है। तो सारी मुख्य बात ब्राह्मणों के जीवन में कौन सी है मुख्य? पवित्रता। बाप आए ही हैं अपवित्र को पवित्र बनाने की शिक्षा देने के लिए, अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो कौन सी गलती हो जाती है जो अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं? है? चाहे वाचा से, चाहे दृष्टि से, चाहे वाइब्रेशन से, कौन सी गलती होती है? ज्ञान लेते लेते गलती कौन सी हो जाती है जो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं? है? अपवित्र होने लग पड़ते। बाप आए हैं, बच्चे तुम्हें मैं मनुष्य से देवता बनाता हूं, अब ये अपवित्र दुनिया रहेगी नहीं, बहुत थोड़ा समय है, 63 जन्म तुम अपवित्र बने, अब एक जन्म भी नहीं, एटमिक एनर्जी तो तैयार हुई पड़ी है। भारत में महाभारी महाभारत युद्ध के सारे आसार सामने खड़े हुए हैं, दोनों तरह की लड़ाइयां सामने खड़ी हुई है, इनसे कोई बच नहीं सकता। तो पवित्र दुनिया आई की आई, और ये जो अपवित्र दुनिया इन आंखों से देखते हैं वो गई की गई। तो क्या इस थोड़े से समय के लिए हम पवित्र नहीं रह सकते? जबकि बाप आया हुआ है, और किसी जन्म में तो बाप आता नहीं। अगर बाप आए और जन्मों में और युगों में, तो भगवान के आने के बाद उत्थान होना चाहिए, पतन होना चाहिए। लेकिन ये 4 युगों का चक्कर तो नीचे ले जाता है। पावन तो कोई नहीं बना, तो
अंतिम जन्म में ही बाप आते हैं, और उस अंतिम जन्म में भी बहुत थोड़े समय के लिए आत्माओं को ये अनुभूति होती है बुद्धियों के द्वारा कि बाप आया हुआ, तो थोड़े समय के लिए हम पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो अपवित्र होने से अनिश्चय बुद्धि बनते और अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती होते। तो जैसे कन्या माथा टेकने लगती, वैसे आज तुम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, ये याद रखो। संगम पर किस लिए आए हो? पुरुष माना आत्मा, आत्मा रूपी जो पुरुष है, पुरु चेते, पुरु माने नगरी, चेते माने सोने वाला, आराम करने वाला, ये शरीर है नगरी और इसमें आत्मा सोती है, रहती है, तो कहेंगे पुरुष। तो ऐसी जो आत्माएं हैं शरीरधारी, उनमें उत्तम से उत्तम पार्टधारी कौन कौन है इस रंगमंच पर? 84 जन्मों के चक्र में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले कौन कौन है? ये इस समय प्रत्यक्ष होता है जब बाप आकर के बताते। तो बताया, अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो कल तुम कहाँ होंगे? आज ये घर घाट क्या है, कितना गंद लगा हुआ है, जिसको हम सुख समझते हैं, वास्तव में तो वो घूमूत में आनंद करने की प्रक्रिया कीड़े मकोड़ों में चल हमने समझ रखी है। जैसे कीड़ा होता है, नाली में से निकाल के उसको साफ सुथरे स्थान पर रख दो, उसकी बुद्धि में क्या बैठेगा? मरता हुआ अनुभव करेगा या जिंदा अनुभव करेगा? साफ सुथरे स्थान पर रख दिया, वो समझता है कि हमको कहाँ लाके डाल दिया, बिल बिल आएगा। तो ऐसे ही आज कीड़े मकोड़ों में सल मनुष्य की गति हो चुकी है। गोमूत्र में रमण करने को ही बहुत आनंद समझते हैं। बाप कहते हैं, अब मैं तुम्हें इस नरक से निकालने के लिए आया हूं, तुम कल कहाँ होंगे? इस दुनिया में जो गंद लगा पड़ा है, इसका नाम ही है वैश्यालय। आलय मन घर, किसका घर? वैश्या का घर। क्या होता है वैश्या के घर में? क्या होता है? जैसे गटर लाइन होती है ना, गटर लाइन में सबकी गंद इकट्ठी हो जाती है जाकर, तो ऐसे ही दुनिया क्या बन गई? गटर लाइन बन गई। सब बिख से पैदा होते हैं, और सतयुग में ऐसे नहीं, कामना वहां नहीं होती है, होती तो है लेकिन राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, इंद्रियां वहां पवित्र रहती हैं, दिविचार का नाम निशान नहीं होता। तो पराई स्त्री और पर पुरुष, इसी को विष कहा जाता है। ये विष सब प्रकार के दुख पैदा करता है, नरक की दुनिया बनाता है, गटर लाइन वैश्यालय बनाता है। इस दुनिया में सब उस विष से पैदा होते हैं, माना व्यभिचार से पैदा हो रहे। कोई नाराज होने लग पड़ेगा, ऐसा कैसे कहते हो? क्या हमारी कोई पैदाइश व्यभिचार से हुई है? 500 साल पहले तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया, भय वर्ण संकर सब, माना सब क्या हो गए? ब्राह्मण कोई नहीं रहा, अब सब वर्ण संकर हो गए। वर्ण संकर क्या? संकर माना मिक्स, और वर्ण कैसा? सबकी जाति मिक्स हो गई। यानी 500 साल पहले से ही उनको ये अनुभूति हो गई कि अब पवित्र ब्राह्मण कोई नहीं है।
ये सिर्फ नाम मात्र चल रहा है, तो मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। अब फिर ऐसा बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय, स्वर्ग की दुनिया में शिवालय। शिवालय में क्या खासियत? और मंदिरों के मुकाबले शिवालय में शिवलिंग बीच में रखा हुआ है और चारों तरफ देवताएं बैठे हुए हैं। चाहे वो जानवरियत का चरित्र दिखाने वाले देवताएं ही क्यों न बैठे हों, हनुमान भी बैठे होंगे तो गणेश भी बैठे होंगे, देवियां भी बैठी होंगी और देवताएं भी बैठे होंगे, लेकिन सब एक की तरफ बुद्धि योग लगाए हुए हैं। अब भी विचारी योग है सबका, तो वो हुआ शिवालय, वाइब्रेशन बांधने वाला आलय। विचार का नाम निशान नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की है। बाबा तो सभी कुछ कहते हैं और सभी को कहते हैं, परंतु उनसे पूछो फादर कहाँ है तो कह देते हैं सर्वव्यापी। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते। अगर कोई कहे कि नहीं, ब्राह्मणों की संगम हुई दुनिया में तो कोई नहीं कहता क्या कि परमात्मा सर्वव्यापी है? अच्छा अच्छा, सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है सो बताओ। या तो सर्वव्यापी है, ब्राह्मण संगम युग तो मानते हैं ना, ये तो मानते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग है। तो जब पुरुषोत्तम संगम युग है और बाप सर्वव्यापी भी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है ये बताओ। तो बता नहीं सकते, और जब बताए नहीं सकते तो साबित हो जाता है कि सर्वव्यापी की बात बुद्धि में है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, बुद्धि को ठिकाना नहीं है, भटकते रहते हैं गुरुओं के पास। कभी किसी की बात पे चलेंगे, कभी किसी की बात पे चलेंगे, उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाले की पकड़ नहीं है बुद्धि में। कह देते हैं कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में, तो कितना फर्क हो गया। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग करके तुम क्या बन गए हो? नरकवासी बन गए। इसलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए हैं, आने का मकसद क्या है? पावन बनाने के लिए आए हैं तो काम पूरा करके जाएंगे, बीच में चले जाएंगे? आए ही है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं ये अंतिम जन्म दिख पीना छोड़ दो, फिर भी समझते नहीं। कर्मणा से छोड़ेंगे तो वाचा से पकड़ लेंगे, वाचा से भी छोड़ेंगे कंट्रोल कर लेंगे तो दृष्टि और वृत्ति से पकड़ लेंगे। विचारी जरूर बन पड़ेंगे, क्योंकि 63 जन्म की रग लगी पड़ी है। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बन जाओ। सब कहते भी हैं बाबा, क्योंकि आत्मा को पहले बाबा याद आता है, आत्माओं का बाबा, फिर यह है बाबा, निराकार में वो है बाबा और साकार में यह है बाबा। क्या कहा? किसके तन के द्वारा ये वाणी बोली गई? ब्रह्मा के तन से बोली गई। बोलने वाली आत्मा ब्रह्मा के बाजू में ही बैठी हुई है। क्या बोल रही है? निराकार में वह बाबा और साकार में यह बाबा। अरे बाजू में ही तो बैठे बोल रहे हैं, फिर वह बाबा क्यों कर दिया? कौन सा बाबा?
जो पतितों को पावन बनाने वाला है, ऐसे ही बीच में वापस नहीं जा सकता। पतित दुनिया को पावन बना करके ही जाता है, तो इससे साबित होता है जरूर कोई भविष्य में बजने वाला पार्ट है, परमात्मा पार्ट जो मुकर्रर रथ के द्वारा कार्य करता है। एक टेम्परेरी रथ भी बताया और एक मुकर्रर रथ भी बताया। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो, बाप के साथ कब रहते थे, हैं? संग में घूमे सिर्फ। यहाँ तो बोला है तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ रहते थे, कहाँ पवित्र थे और कहाँ बाप के साथ रहते थे, हैं? 21 जन्मों में बाप के साथ रहते थे। माना कौन से बाप के साथ? शिव बाप, शिव बाप नहीं, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसके लिए बताया, जिसमें परमात्मा बापा प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से कार्य संपन्न करने के लिए। तो बताया तुम भी पहले पवित्र देवता थे, बाप के साथ में रहते थे, माना बाप भी पवित्र देवता था और तुम भी पवित्र देवता थे, फिर तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने, फिर माना कब? द्वापर कलियुग, पतित दुनिया में इस वैश्याले में आए हो पार्ट बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सत्युग में नई दुनिया में जाने वाले हैं, तुम्हारी आस भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं? तुम कहते भी थे कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कैसा बच्चा मिले? लोगों की आस होती है, वरदान भी देते हैं तो क्या देते हैं? पुत्रवान भव, आयुष्वान भव, धनवान भव। तो तुम्हारी आस होती है कैसा बच्चा पैदा हो, कृष्ण जैसा श्रेष्ठ बच्चा महबावान पैदा हो। तो अभी मैं आया हुआ हूँ, इसलिए आया हुआ हूँ तुम्हारे बच्चा पैदा करने के लिए। कैसा बच्चा? जो तुम्हारी 63 जन्म आस रही कि कृष्ण जैसा बच्चा पैदा हो, तो कहाँ पैदा होगा? इस नरक की दुनिया में, जो नई स्वर्ग की दुनिया बनाने के लिए बाप आया है, उस नई दुनिया में ही ऐसे बच्चे पैदा होंगे। तो मैं तुमको ऐसा बनाने के लिए आया हूँ। कैसा बनाने के लिए? हैं? कृष्ण जैसा। अच्छा, कृष्ण जैसा बनाने के लिए कि कृष्ण जैसा बच्चा पैदा करने वाला बनाने के लिए? हाँ, मैं तुमको ऐसा बनाने के लिए आया हुआ हूँ जो तुम कृष्ण जैसा बच्चा पैदा कर सको। हैं? आज के बच्चे पैदा होते हैं बिच्छू टिंडर, माना माँ बाप के मुंह पे कालिख लगाना चाहते, बाप एक रास्ते पर बच्चा दूसरे रास्ते पर, बाप पवित्रता की ओर और बच्चा अपवित्रता की ओर। तो बाप का नाम लौकिक का अलौकिक पारलौकिक का बाला होगा कि नाम बदनाम होगा? लो, इनके घर में माँ बाप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? तो सत्युग में तुमको ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? कृष्ण जैसा अच्छा बच्चा मिलेगा, जिसकी दृष्टि राधा में ही डूबेगी और किसी में दृष्टि डूब नहीं सकती। ऐसा अभिविचारी बच्चा मिलेगा जो नाम बाला करे। यहाँ बच्चे होते ही हैं कृष्ण जैसे, वहां सत्युग में स्वर्ग में होते ही हैं बच्चे कृष्ण जैसे, तत्व प्रधान फूल होते हैं ना। आपन से पूछना है हम फूल बना हो,
कहां देह अहंकार में आकर के काटा तो नहीं बन जाता हूं। मनुष्य अपन को आत्मा समझने के बदल देह समझ लेते हैं और आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। क्या कहा? बाप को ब्रह्मा द्वारा जान ले तो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा बांध जान ले तो वर्षा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाप की असली पहचान से बाहर बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। तो बाप को बाप द्वारा जानने से तुमको बाप का वर्षा मिलता है। वेद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। कौन सा वर्षा है? ऐसा कौन सा वर्षा है जो 500 करोड़ को मिलता है? ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है। शांति का भी वर्षा मिलता है, मुक्ति का भी वर्षा मिलता है, शांति धाम माना मुक्ति धाम, और कम से कम एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति का भी वर्षा मिलता है। जो धर्म पिताएं उतरते हैं द्वापर कलयुग में, वो भी एक जन्म जीवन में तो रहते हैं, शरीर में तो रहेंगे पहले जन्म में, लेकिन वो आत्मा दुख नहीं भोग सकती। जैसे क्राइस्ट फांसी पर, दुख किसको हुआ? जिस शरीर में प्रवेश किया उस शरीरधारी आत्मा को दुख हो सकता है, लेकिन जिस आत्मा ने प्रवेश किया उसको दुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आत्मा पहले जन्म में महिमावान बनती है सत्व प्रधान होने के कारण। तो सत्व प्रधान आत्मा दुख नहीं भोग सकती, और बाप 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ऐसी स्टेज में ले जाने के लिए आते हैं, तो एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, आकर बनाते हैं या ज्ञान सुना के चले जाते हैं फिर पावन बनते रहते हैं। आते किस लिए? ज्ञान सुनाने आते हैं या पावन बनाने आते हैं? बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे कोई थोड़े ही कहते हैं कि हे पतित पावन आओ आकर हमको ज्ञान सुना के चले जाओ। नहीं, तो बाप ब्रह्मा के तन में सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए नहीं आता, उसका मूल मकसद पावन बनाना है। पावन बनाकर साथ लेकर के जाएगा। ये अंजाम करते हैं, मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। बाबा में पाप नहीं था, उन प्रवेश करती है वो मूल रूप में कौन से धर्म का था? हाँ, देवता धर्म की आत्मा थी, लेकिन देवता धर्म में पक्का देवता था या कच्चा देवता था? कच्चा था। तो जन्म उसके कम हुए होंगे या पूरे जन्म हुए होंगे? 16 कला संपन्न वाले कम जन्म, तो पढ़ाई पूरी पड़ी होगी या अधूरी पढ़ाई पड़ी होगी? माना परमात्मा बाप जो खुद आकर के वर्षा देते हैं, अपना परिचय देते हैं, उस बाप से उन्होंने डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो आत्मा में अधूरापन रह गया। आत्मा कच्ची कन्वर्ट होने वाली बन गई। तो जो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो त्रेता का अंत होता है और नीचे गिर जाती, क्योंकि तमो प्रधान में ही ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करेंगी। जो ऊपर से आत्माएं सतो प्रधान आएंगी, वो किस में प्रवेश करेंगी? सतो प्रधान देवताओं में? सतो प्रधान में नहीं, जो जास्ती से जास्ती तमो प्रधान बना होगा, यानी जिसकी गति नीचे गिरने की ज्यादा तीखी होगी, उसी में प्रवेश करेगी। बाप आया हुआ है और 100 गुना 1000 गुना 1,00,000 गुना पाप का बोझा उनके ऊपर चढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक 1 गुना पाप चढ़ता है, पाप कर्म का। और जब ये अंजाम कर लिया कि बाप आया हुआ है हमको सुधारने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए, फिर भी अगर कोई पाप करते हैं
तो कितना गुना बोझा चढ़ता है? 100 गुना 1000 गुना 1000000 गुना। तो आत्मा नीचे गिरेगी तीव्र गति से। ये तीव्र गति से गिरने के संस्कार उस आत्मा में भर जाते हैं। इसलिए द्वापर युग शुरू हुआ और वो सबसे जास्ती तमो प्रधान बन गई, तो उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। सबसे बाबा क्या बाबा तो है, आठ दाना कहता है ना। बाबा जो आठ दाना कहता है कि आपने समझ लिया, नारायण जो बनते हैं सत्युग में कम कलाओं वाले वो आठ दाने बनते हैं, ऐसा समझ रखा है, ऐसा तो तथाकथित ब्राह्मणों ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझाया होगा कि कम कलाओं वाले, कम जन्म लेने वाले, कच्चे कन्वर्ट होने वाले वो भी नारायण बनते हैं। नारायण तो बनते हैं कम कलाओं वाले, लेकिन अष्ट रतन अष्ट देव नहीं बनते। जिन अष्ट देव नवग्रहों की पूजा होती है, कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो उन अष्ट देवताओं का पूजन जरूर करेंगे, तो वो अष्ट देवताएं अलग हैं और ये नारायण कम कला वाले अलग हैं। नारायणों को हम अष्ट देव नहीं कहेंगे। अष्ट देव तो संपन्न स्टेज है, 16 कला संपूर्ण स्टेज, बीज रूप आत्माओं में से है वो। वो जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें वो धर्म पिताएं नहीं प्रवेश करते। हाँ, वो बीज रूप आत्माएं जिनमें धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं उनको जन्म देने के निमित्त बनते हैं, लेकिन वो फिर कन्वर्ट नहीं होते। जो कन्वर्ट होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया, किसमें प्रवेश किया? सिद्धार्थ में। तो सिद्धार्थ तो कन्वर्ट हो गया बौद्ध धर्म, लेकिन उसको जन्म देने वाला सुद्धोधन वो कन्वर्ट नहीं हुआ। बच्चा नहीं, इतने धर्म पर पक्के। तो बाप ही आकर के पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वो तो कह देते हैं ज्योति ज्योति समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान तो कुछ भी नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान माना समझ, ज्योति ज्योति में समाया का अर्थ क्या हुआ? ज्योति माने कौन सी ज्योति? स्थूल ज्योति है कोई? वो तो ज्ञान की ज्योति है। परमात्मा जो ज्ञान सागर आकर के ज्ञान सुनाता है, उसमें जरूर कुछ पेक्युलरिटी है। जो मनुष्य आत्माएं ज्ञान सुनाती रही उसके मुकाबले, तो परमात्मा जो ज्ञान बिंदु देता है, ज्ञान की रोशनी देता है, उस रोशनी में सबके संकल्प समा जाएंगे। एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं रहेगी जो उस परमात्मा बाप के ज्ञान की प्रकाश को काट करने वाली हो। माना सबको उस ज्योति में समाये जाना है। ज्योति माना ज्ञान की ज्योति में। जो बाप का संकल्प वो ही सब बच्चों का संकल्प होगा। तो ये हुआ ज्योति ज्योति में समाना। कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वो ब्रह्मा को ही, भगवान के रहने के स्थान को ही भगवान समझ लेते। कौन? दुनिया वाले। दुनिया वाले तो बाद में भक्ति मार्ग में समझते हैं। यहाँ तो ब्राह्मणों के संग में भी दुनिया में हर बात की शूटिंग होती है। परमात्मा के जो रहने का स्थान है, जब वो इस सृष्टि पर आता है तो वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहो, ब्रह्म तत्व कहो, वो श्रेष्ठ तत्व है, लेकिन जड़त तो है। उसमें बाप आता है तो बाप का घर कौन हुआ? ब्रह्मा। अरे बच्चों की पैदाइश कहाँ से होती है? बच्चे कहाँ से संसार में प्रत्यक्ष होते हैं? माँ के पेट से। तो ब्रह्मा का बुद्ध रूपी पेट क्या हुआ? ब्रह्मा के संकल्पों से ही तो सृष्टि रची गई। तो ब्राह्मणों की पैदाइश कहाँ से हुई? ब्रह्मा से। सारी सृष्टि की पैदाइश ब्रह्मा से होनी। तो ब्रह्मा का तन
क्या हो गया? ब्रह्मलोक हो गया। अब कोई उस ब्रह्मलोक घर को ही भगवान समझ बैठे कि ये ब्रह्मा ही भगवान है और कोई परमात्मा पात्रधारी नहीं है इसके अलावा, तो इसको राइट कहें या रंग कहें? ये तो रंग हो गया। अरे जड़ तत्व तो कैसे परमात्मा हो सकता? ब्रह्मा को तो बाप बेबी कहते थे, बच्चा बुद्धि। विनाश का साक्षात्कार हुआ और रोने लग पड़े। तो बच्चा बुद्धि परमात्मा का स्वरूप नहीं है। हाँ, माँ का पार्ट बजाया, मृदुल पार्ट बजाया। तो ब्रह्म में लीन होने की बात नहीं है। कोई कहे कि हम ब्रह्मा की गोद में लीन हो जाएंगे, ऐसी याद में मस्त हो जाएंगे, ऐसा कोई हो नहीं सकता। कैसा? कि कोई ब्रह्मा में लीन हो जाए। ब्रह्मा वाली आत्मा का पार्ट और कोई दूसरा नहीं बजा सकता। तो ज्ञान कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो। अभी हम किसके पास आए? ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है क्या? ये इशारा देते हैं क्या? इशारा देते हैं मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा जो अलग हुई हैं, अब उनका संग होता है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई हैं। कब अलग हुई है? कब अलग हुई? 5000 साल पहले है? 5000 साल पहले की बात है? नहीं, ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में ही ये होता है। हम आपन को बिंदु आत्मा समझते हैं बेसिक नॉलेज में, परमात्मा बाप के बच्चे समझते हैं, ब्रह्मा के तन में समझते हैं बाप आया हुआ है, पहचानते भी है। और फिर बाद में ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है और बाप आंखों से ओझल हो जाता है। तो सत्संग की जगह फिर क्या रह जाता? सत्य तो एक परमात्मा ही है और वो आंख से ओझल हो गया तो क्या हो जाएगा? सत्संग की जगह लत संग रह जाता। लात मारते रहते हैं, तुम हमारे यहां नहीं आना, उधर जाना तो इधर नहीं आना। तो आत्माएं जो परमात्मा बाप से अलग हो गई, अब उनका संग होता है। सच्चा सच्चा ये सत्य का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। शूटिंग पीरियड में भी, हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं समाई हुई होने के कारण एक एक युग ही जैसे कि एक कल्प बन जाता है। अगर 40 वर्ष में सतयुग की शूटिंग, फर्स्ट सीन की शूटिंग हुई हुई है, तो 40 वर्ष के अंदर ही ये स्टेज हो जाती है कि जो आत्मा परमात्मा बाप के मिलने का अनुभव किए हुए थी वो बिछुड़ जाती। सतयुग त्रेता में तो सत्संग नहीं होता है। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बाप, और बाकी सब है झूठ। सतगुरु एक निराकार कहा जाता है, तो बाकी गुरु कैसे हो गए? सब झूठ गुरु हो गए। एक सदगुरु अकाल मूर्त सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। तो जब एक सदगुरु है बाकी सब गुरु हैं, तो सब गुरु झूठे हो गए। एक का संग वही सत्संग है। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। अभी माना कब? संगमी गुण को। तो ये भी स्मृति रहे कि हम गार्डली स्टूडेंट हैं। ये रहना चाहिए अंदर, खुशी रहनी चाहिए, इतनी महत्वाकांक्षा अंदर रहे कि हम कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है, गॉडली स्टूडेंट है, हमको गॉड पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य।
हमारा बाबा यहाँ है, वो बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं। सिर्फ इतना ही नशा नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, लेकिन और क्या नशा हो साथ में कि वो स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप भी हमको मिला है, टीचर बन करके एक्सप्लेनेशन देने वाला, पढ़ाई पढ़ाने वाला मिला है, और साथ साथ सदगति देने वाला सदगुरु भी मिला है। एक ही तन के द्वारा तीनों ही पार्ट बजाते हैं। उन तथाकथित ब्राह्मणों को ये तीनों रूपों में बाप नहीं मिलता। कौन से तीन रूप? बाप के रूप में स्वर्ग का वर्षा, माना सुख शांति के वाइब्रेशन का वर्षा देने वाला बाप उनको नहीं मिलता। फिर भी दुख अशांति का वाइब्रेशन रहता है। बल कहते हैं कि बाबा से हमको 21 जन्मों का वर्षा, माना 21 जन्मों में से पहले जन्म का वर्षा मिल गया, लेकिन वो तो विनाशी है। ब्रह्मा के थ्रू जो कुछ मिला, मैलमाणिया आचार्या मिली, अच्छे अच्छे म्यूजियम मिले, जोनल इंचार्ज का पद भी मैं भले मिल गया, लेकिन वो सब सब विनाशी है। जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है वो किसी को नहीं मिला। दूसरी बात, टीचर, वो सुप्रीम टीचर है, बेहद का टीचर है, हद का टीचर नहीं है। ऐसी पढ़ाई और कोई दुनिया में पढ़ा नहीं सकता, राजयोग की पढ़ाई जिसमें ऐसा राज भरा हुआ है कि वो हमको उस पढ़ाई से राजा का पद देता है, आधीन बनना नहीं सिखाता। वो बात की ऐसी नॉलेज, एडवांस नॉलेज है कि एक बार किसी की बुद्धि में बैठ जाए तो उसकी बुद्धि में ये महत्वाकांक्षा जाग जाती है कि हम किसी देहधारी के अधीन होने वाले नहीं, हम हैं ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे। ऊंचे से ऊंचा टीचर हमको पढ़ा सकता है और दुनिया में हमको कोई पढ़ा नहीं सकता। हम नहीं किसी से पढ़ाई पढ़ने वाले, हम पढ़ाएंगे लेकिन हम किसी से देहधारी से पढ़ने वाले नहीं है। और उसकी बुद्धि में ये भी कि वो हमारा गुरु भी है, साधारण गुरु नहीं, सतगुरु, अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। उन गुरुओं को तो काल खा जाता है। अभी तो विनाश होने वाला है, चारों तरफ काल ही काल मंडराएगा, वो सब गुरु काल के गाल में चले जाएंगे। लेकिन हमको जो गुरु मिला है वो काल के गाल में जाने वाला नहीं। कौन सा गुरु मिला? सतगुरु, अकाल मूर्त, माना उसकी मूर्ति है या नहीं है? मूर्ति है, ऐसे नहीं अमूर्त है, सिर्फ बिंदु है, निराकार है, नहीं। कहते हैं जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार होगा या निराकार होगा? साकार। तो हमको ऐसा गुरु मिला है जो भले सारी दुनिया का विनाश हो जाए लेकिन उसका विनाश होने वाला नहीं है। और सब आत्माएं कुछ न कुछ टाइम के लिए उस काल के गाल में जरूर जावे। ऑलराउंड पार्ट कोई नहीं बजा सकता, लेकिन एक ऐसा है जो ऑलराउंड पार्टधारी, हमको ऐसा गुरु मिला है तो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उन तथाकथित ब्राह्मणों को ये तीनों रूप का एक रूप में तिरोहित हुआ रूप, बाप टीचर सतगुरु, वो नहीं मिला है, हमको मिला है। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारी विकल विनाश। कौन सी याद से? इस याद से कि हमको जो मिला है तो और किसी को नहीं मिला। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है क्या? ऐसे बाप को याद करेंगे कैसे? बाप को चोर डकैत को याद करेंगे तो चोर डकैती के गुण आ जाएंगे। और हम ऐसे बाप को याद करते हैं जिसका चित्र ही ऐसा बना हुआ है। कैसा चित्र बनाया?
पहले पहले सोमनाथ के मंदिर में कैसा चित्र बनाया? हीरा, और हीरे के आसपास चारों तरफ लाल लाल लाइट। वो लाइट लाल लाइट कोई फूल लाइट है क्या है? तो ज्ञान की लाइट, ज्ञान की रोशनी है। तो ऐसी ज्ञान की रोशनी से भरा पूरा है, अंधकार उससे नजदीक नहीं जा सकता। वो ऐसा ज्ञान का सूर्य है, उस सूर्य की रोशनी में रहने वाले और किसी के सामने जाकर के धक्के नहीं खाएंगे। तो ऐसे को जो याद करेंगे तो उनको भी लाइट का ताज आ जाता है। कौन सी लाइट का ताज? ज्ञान की लाइट का ताज आ जाता है। ये भी एक निशानी है इस बात की कि किसको वो बाप मिला है और किसको नहीं मिला है। क्या निशानी बताई? जिसको बाप मिला है, जिसको वो बाप मिला होगा तो लाइट का ताज जरूर होगा, और नहीं मिला होगा तो बस सुबह शाम रिवाजी रीत से मुरली पढ़ते रहो, सुनते रहो। जैसे भक्ति मार्ग में गीता रामायण पढ़ते, सुनते हैं और बस चले गए। बुद्धि में मनन चिंतन मंथन नहीं चल सकता, बुद्धि सदगति की ओर नहीं जा सकती। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, और मन बुद्धि में अगर मनन चिंतन मंथन की गति नहीं आई, वो ज्ञान की रोशनी नहीं आई जो अंदर से निकलती रहे, तो फिर परमात्मा बाप का बच्चा कैसा हुआ? परमात्मा बाप आया हुआ है, उसके अंदर से ज्ञान की रोशनी निकलती है, तो बच्चों के अंदर से नहीं निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए। तो उन तथा कथित ब्राह्मणों का तो सिर्फ नाम है, वो कहते हैं हम ज्ञानी ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके अंदर से ज्ञान की रोशनी निकलती नहीं है, मनन चिंतन मंथन चलता नहीं है। और तुम बच्चों का ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सदा चलता रहता है। तो ये है पवित्रता की निशानी। क्या? कि जो बाप के बच्चे बने उनको पहला पहला ये लाइट का ताज पवित्रता की निशानी मिलती है। अपवित्र आत्मा होगी तो देह और देह का मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा, कोई न कोई देहधारी याद आता रहेगा। देह तो मिट्टी है, मिट्टी में रोशनी होगी क्या? मिट्टी को याद करेंगे तो बुद्धि भी क्या बनेगी? मिट्टी बनेगी, जड़ बुद्धि बन जाएगी। देखते भी हैं जीवन में, कोई कितना भी होशियार आदमी क्यों न हो, 10-15 बच्चे जीवन में पैदा करने के बाद अंत में जब बूढ़ा होता है तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? है? हाल डोल हो जाती है, बुद्धि का दीवाला निकल जाता। क्यों? क्यों हुआ ऐसा? कि देह का संग करते करते, देह का मनन चिंतन मंथन करते करते ये हालत हो जाती है। क्योंकि मिट्टी को याद किया ना, तो मिट्टी को याद अब हमको नहीं करना है, क्योंकि हम तो बाप के बच्चे बन चुके हैं। अब हम लौकिक बाप के बच्चे नहीं हैं, अब हम हैं पारलौकिक बाप ज्ञान के सागर के बच्चे। मास्टर ज्ञान सागर हमको होना चाहिए। तो ये लाइट का ताज पवित्रता की निशानी बाप हमको देते, ये नॉलेज और कोई को मिल न सके। और कोई को माने किसको? कोई गुरु गुसाई के फॉलोअर को ये नॉलेज नहीं मिल सकती। ये किसको मिल सकती है? जो सिर्फ एक बाप को पहचानने वाला होगा उसी को ये नॉलेज मिल सकती है। बाप द्वारा बाप को जिसने जाना होगा, क्या ये भी एक शिफ्ट बताई? ऐसे होता है कि कोई ने समझाया, नीचे बैठ गया, तो किसी दूसरे के द्वारा परिचय मिला या बाप द्वारा मिला? है? बाप द्वारा मिला, किसी के थ्रू मिला ना। और एक होता है बाप ने समझाया तो निश्चय बैठ गया, और सारे ही समझाते रहे तो बुद्धि में नहीं बैठा, तो क्या कहेंगे? किसका बच्चा हुआ? पैदाइश कहाँ से हुई? फिर बाप से डायरेक्ट पैदाइश हुई। जहाँ से निश्चय बुद्धि बना वहीं से पैदाइश हुई।
तो देने वाला एक बाप है, उनमें कुल नानी है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। कौन कहते हैं? हैं? कौन से बाप कहते हैं? वेद के बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप, निराकारी आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, और एक है मनुष्य शक्ति का बीज रूप बाप। मनुष्य शक्ति साकार है, तो मनुष्य शक्ति का जो बीज बाप होगा वो कैसा होगा? वो भी तो साकार होगा, लेकिन साकार होते हुए भी जब तक उसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश न हो तब तक उसको अनुभूति नहीं हो सकती कि मैं मनुष्य शक्ति का बीज हूँ। ये उल्टा धार है, कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया। फूलों का बगीचा नहीं कहेंगे? बगीचे में और कांटों के जंगल में क्या अंतर बताया? मुरलियों ने अंतर तो बताया ना, क्या अंतर बताया? कांटों का जंगल सूखता है, उसमें आग लगती है, क्या आपस में घिसते हैं तो एक दूसरे को तोड़ देते हैं। उसमें पानी माने ज्ञान जल का नाम निशान नहीं रहता, सूखता है। और फूलों का बगीचा हरा भरा होता है, उसमें रोशनी ऐसी रहती है, खुशबू रहती है, जिस खुशबू से चारों तरफ गमक हो जाती है। वातावरण कैसा बन जाता? अच्छा वातावरण बन जाता है। अभी तो सब में पांच विकार आ गए हैं क्योंकि कांटों का जंगल है। पहला मुख्य है देह अभिमान, वहां तो देह अभिमान रहता नहीं है। इतना समझते हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते, हम आत्मा है बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल भी तुम बच्चों को समझाया, अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है, अभी तुमको ये खाल छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर ये शरीर छूट जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? अगर जिनकी जिनकी आत्मा पवित्र होती जाए और सबके शरीर छूटते जाए तो सतयुग में बच्चों की पैदाइश कहां से होगी? है? होगी नहीं। तो नई जनरेशन नहीं आ सकती। तो इसका अर्थ ये उल्टा नहीं समझना कि जब आत्मा कर्मातीत बनेगी, पवित्र बनेगी, तो ये शरीर छोड़ देगी। शरीर छोड़ना माना जीते जी मरना, जीते जी मरना माना आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाना हमेशा के लिए। माना शरीर का आकर्षण, शरीर का जो ममत्व है, जो लगाव अटैचमेंट है, वो छूट जाएगा। शरीर की स्मृति नहीं आएगी, बुद्धि में बैठ जाएगा ये शरीर तो विनाशी है, ये साथ देने वाला नहीं है ये वर्तमान शरीर, अब तो हमको नया चोला मिलना है। तो सर्प का मिसाल दी, सर्प का मिसाल का मतलब क्या हुआ? शरीर छूट जाना। अरे सर्प भी अपनी पुरानी खल त्यागता है, नई खल आ जाती है, तो क्या सर्प मर जाता है? नहीं, सर्प मरता तो नहीं है। ऐसे ही तुम बच्चे शरीर छोड़ देंगे सर्प के मिसल, ये सर्प का मिसाल तुम ब्राह्मण बच्चों का है। माना ये स्थूल शरीर कोई छूट नहीं जाएगा, खलास नहीं हो जाएगा, लेकिन इसका ममत्व खलास हो। तो इसकी दो प्रक्रियाएं हैं, पहले आत्मा का परिष्करण होता फिर शरीर का परिष्करण होगा। पहले आत्मा सात्विक बनेगी, डिटैच, शरीर से डिटैच होने का अनुभव करेगी, फिर शरीर में परिवर्तन होगा पांच तत्वों में। पहले जड़ का सुधार होगा या पहले चैतन्य का? पहले चैतन्य आत्मा सुधरता।